नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं शुरुआत कर रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ जयपुर की इस प्यारी सी बारिश के बारे में। और आप देख सकते हो, ये मेरा प्लान था, मैंने इसकी वीडियो भी अपने चैनल पे शेयर की हुई है, और ये प्लान भी मैंने शेयर किया था आपके साथ, आप वीडियो में देख सकते हो। ये वीडियो हेयर केयर का ही है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको भी ऐसा, ये टिन का बॉक्स था, इसको भी पेंट किया, और अभी आप देख सकते हो इसमें कितना खूबसूरत ये प्लांट लगा हुआ है। आज बारिश का मौसम है, तो मुझे लगा कि आपके साथ एक अच्छी सी वीडियो शेयर की जाए, और ऐसी ही आपकी लाइफ हो जाए ब्यूटीफुल, और आपकी जो टेंशन है अपने बालों को लेकर वो कम हो जाए। इसी के लिए मैं लेकर आई हूँ आज का ये वीडियो एंड दिस ब्यूटीफुल तुलसी। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी से सुबह के साथ मैं कर रही हूँ आज की इस वीडियो की शुरुआत, और आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज का वीडियो। कल मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, और आज की इस वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह सुबह अच्छी वाली बारिश हो रही है, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा फ्रेश होकर आज आपके लिए वीडियो बना देते हैं। आप सभी लोग जो है, जितने भी लोग बाल झड़ने की समस्या से परेशान हो रहे हैं, उनको एक बेसिक सी बात समझनी होगी, और वो बेसिक सी बात ये है कि अगर आपके बालों में हेयर लॉस हो रहा है, इसका मतलब बालों को ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। वो ऑक्सीजन का सप्लाई हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं एक्सरसाइज, बिकॉज जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और उस ब्लड का फ्लो बढ़ने से हमें बहुत सारी बीमारियां भी नहीं होती, एंड साथ ही साथ हमारे बाल हेल्दी होते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स तक वो ब्लड पहुंचता है, और उस ब्लड में ही वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको मॉनसून हेयर फॉल हो रहा हो, आपको टेलोजन एफ्लुएम हो, आपको जर्नली हेयर फॉल हो रहा हो, या आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो, तो आप इस कंडीशन में एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए, बट कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि आपके लिए, बालों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 तो आप अपनी नेक को इस तरीके से करेंगे तो आपकी ये शोल्डर रिलैक्स महसूस करेंगे, और अगर आपको कहीं से भी परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है, या बॉडी में स्टिफनेस महसूस हो रही है, तो बॉडी रिलैक्स कर पाएगी। खासतौर से वो लोग जो इस समय वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और मैंने ही देखा है कि वर्क फ्रॉम होम, जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो मैंने ये पाया है कि हम ना बस करते जाते हैं काम, और हम देखते ही नहीं है कि यार हमें रिलैक्स भी होना है, या हमें स्ट्रेचिंग भी करनी है, या हमें पानी भी पीना है, तो उस कंडीशन में ना बॉडी को बड़ा नुकसान होता है। तो ये एक्सरसाइज जो है आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा 1 आप थोड़ा सा प्रेशर देने के लिए ये भी कर सकते हैं। 1 2 शुरुआती बता रही हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको वो हेल्पफुल एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आपको 1 2 3 एक्सरसाइज, और उसके बाद जो मैंने सेकेंड एक्सरसाइज बताई है, ये दोनों ही एक्सरसाइजेज आपकी नेक और शोल्डर के लिए बहुत अच्छी हैं। क्योंकि आप कहेंगे ये बालों के लिए कैसे हेल्पफुल है, ये दोनों ही जब इन मसल्स को रिलैक्स करती हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, और वो फ्लो जो है वो फॉलिकल्स तक जाता है, जिससे कि आपके बाल हेल्दी हो पाते हैं। तो ये दो एक्सरसाइजेस आप 10-10 का सेट बना के 30 करनी है आपको, मतलब जैसे मैं आपको एक 5 एक्सरसाइज का सेट बताने वाली हूँ आज, जो कि आपको करना है, और उसी हिसाब से आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो दो एक्सरसाइजेस मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट 3rd पे हम आ जाते हैं।
ये हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। ये तीनों एक्सरसाइजेज जो है वो कंधों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो भी इसे कर सकते हैं। एक चीज़ और कि जब आप कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज करें और आपको चट-चट की आवाज़ आए अपनी बॉडी से, घबराने की जरूरत नहीं है, हड्डियाँ बिल्कुल कमजोर नहीं होती हैं। बेसिकली वहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं, जैसे कि इस फिंगर पे जो जॉइंट है वहाँ पर एयर होती है, और जैसे हम इसे ऐसे करते हैं, जैसे आप ये करते हो ना, ये इस तरीके से करते हो, तो आवाज़ आती है ना चट-चट, वो इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे जो एयर होती है वो रिलीज हो जाती है। उस एयर के रिलीज होने की कंडीशन में ही क्या होता है, हमारा वो चीज़ चट-चट करती है। तो घबराने की बात नहीं, आपकी कोई हड्डियाँ कमज़ोर नहीं हो रही हैं, निश्चिंत रहिए। तो तीन व्यायाम जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट व्यायाम जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है, कपालभाति। कपालभाति बहुत ही अच्छा व्यायाम है जो कि हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जब ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है तो हमारा ब्लड क्लीन होता है, और ब्लड क्लीन होने पे वो अच्छे तरीके से सप्लाई करके हमारी जो स्किन है उसको भी हेल्दी बनाता है, साथ ही साथ वो बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। तो अभी हम अगर कपालभाति कर रहे हैं तो वी हैव टू डू दिस मुद्रा अपने जो है वो हमारे एक बार, फिर लंबा सांस लेके, फिर 30 सेकंड, एक बार 30 सेकंड के इस तरीके से आपको इसके भी 3 सेट करना है, मतलब जो हम एक सेट बना रहे हैं। ये मेरा चौथा एक्सरसाइज थी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि आप कहीं पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कहीं पे भी ऐसा स्पेशल एनवायरनमेंट तलाशने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है कि हम जब घर पे होते हैं तो बहुत सारी हर्डल्स आती रहती हैं, मतलब लाइक आपका दरवाज़ा खटक रहा है, कोई आ गया है, आपको कुछ और चीज़ याद आ गई है, किचन में काम हो रहा है, कुछ भी आपको परेशानी हो सकती है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप एक ऐसी जगह तलाशें जहाँ पर कि आपको शांति मिल सके। जैसे कि ये जो एरिया है मेरे लिए बहुत पीसफुल है, क्योंकि यहाँ पर मेरे प्लांट्स हैं, मैं इनके साथ रोज़ाना बातें करती हूँ, इनके साथ खुश रहती हूँ, तो मेरे लिए ये मेडिटेशन का अच्छा स्पेस है। हालांकि मैं रोज़ बात जाती हूँ, मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में भी दिखाया था। तो मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, आंखें बंद करनी है और अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करनी है। कैसे, अब जब हम मेडिटेशन करेंगे तो इतनी आसानी से हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते जहां पर कि हम मेडिटेशन में आ जाएं। तो बेस्ट थिंग इज दिस कि हम ओम का उच्चारण करें। अगर आप ओम का उच्चारण नहीं करना चाहते हैं तो आप लिप्स बंद करके इस तरीके से साउंड क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग किसी अन्य धर्म से आते हैं वो अल्लाह को याद कर सकते हैं, गॉड को याद कर सकते हैं, वाहेगुरु को याद कर सकते हैं। सारे धर्मों में मेडिटेशन की बहुत अच्छी प्रक्रिया बताई गई है और आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सांस हमें खींचना है एंड देन हमें रिलीज करना है। जितना ज़्यादा आप सांस को कंट्रोल करने की पावर बना पाओगे उतना ही वो आपकी स्किन, आपके मेंटल हेल्थ और उतने ही बालों के लिए अच्छा होगा। तकनीक तो मैंने आपको 5 सेट बताई हैं। पहली एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, पहली एक्सरसाइज में हमने
जो है अपने आप को रिलैक्स करना है। हमने अपने कंधों को रिलैक्स करने के लिए हमने 1 2 1 2 करके हुए एक 20 का सेट बना लीजिए या 10 का सेट बना लीजिए अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या करना है 1 2 1 2 ये दूसरा सेट हो जाएगा। तीसरा सेट 1 2 फिर एक आगे फिर पीछे एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज करना है। तीसरा चौथा कपालभाति और पांचवा मेडिटेशन। 10 10 एक्सरसाइज हर सेट की बनाइए और हर उसमें 2-2 मिनट का मेडिटेशन रखिए, तब आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल हो पाएगी और आपके बाल हेल्दी बनेंगे। जिन लोगों को भी मोटापे की वजह से थायराइड हो गया है उनको भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, और जिन लोगों को मोटापे की वजह से बीपी या डायबिटीज रहने लग गई है उनको भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज के लिए बहुत लंबा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। वो एक्सरसाइजेज जो कि आपको हेल्दी बनाएं और आपके लिए आसानी से हो सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई वर्कआउट रूटीन शुरू करूं तो प्लीज़ उसके बारे में मुझे लिखिएगा, मैं तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहती हूं कि मैं अब आप लोगों के साथ वर्कआउट रूटीन करूं ताकि आप अपने आप को वाकई, अभी तो मैं अपनी बातों के जरिए आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके घर आ जाऊँ अपनी वीडियोस के साथ, आपके वीडियो आपके घर पहुँचूँ, आप सुबह मेरा वीडियो प्ले करें और मेरे साथ वर्कआउट करें, और जब 1 महीने बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपको अच्छा महसूस हो तो आप आके बोलें कि हाँ हमें फ़ायदा हुआ है। आप प्लीज़ लिखिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आसान वर्कआउट रूटीन आपके साथ शेयर करूं, और अगर नहीं चाहते हैं कि कोई रूटीन शुरू किया जाए तो कम से कम ये 5 वर्कआउट ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हेल्दी रह सकें। कल के वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाए। इस प्यारी सी बारिश के साथ अभी आपसे लेती हूँ अलविदा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं उन्हें परेशान होना नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। खुश रहिए, बिंदास रहिए, और जब तक इस लाइफ में हैं दूसरों को भी खुशियाँ दीजिए। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। ये जॉइंट है ना, यहाँ पे जॉइंट बना हुआ है इस फिंगर का।